नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आज का जो SSC MTS का जो पेपर हुआ 7 अक्टूबर 2017 का। तो दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। तो दोस्तों, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले तो मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन बताऊँगा जो आज के पेपर में पूछे गए हैं, और उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन देखेंगे जो कि कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हु एमंग द फॉलोइंग वन द द्रोणाचार्य अवार्ड 2017। तो इनमें से किसने 2017 में द्रोणाचार्य अवार्ड जीता था? तो दोस्तों, कुछ ऑप्शन दिए थे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला आया था, बिच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ OPEC, मतलब OPEC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये भी ऑप्शन में दिए थे दोस्तों। अगला, बिच इज नॉट ए स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन में आया था। अगला, बोल्ट इज द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ, तो मतलब बोल्ट का जो होता है तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है दोस्तों? बोल्ट किस में होती है? तो वोल्टेज में होती है। अब दोस्तों, हम लोग देखेंगे इंग्लिश से एक क्वेश्चन पता चला कि क्लोज टेस्ट आया था, वो भी एजुकेशन के ऊपर आया था। मैथ में दोस्तों, DI से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, जो कि बहुत ही सिंपल पेपर मतलब रहा होगा आज का, जो कि DI आज पूछी नहीं गई। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि द्रोणाचार्य के अवार्ड के बारे में, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो इंस्टीट्यूट हुआ था तो वो 1985 में हुआ था, और फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1985 में, और लास्ट अभी रिसेंटली में दिया गया 2017 में। टोटल अवार्ड अभी तक 104 दिए जा चुके हैं, और इसकी जो कीमत होती है मतलब 5 लाख मतलब $7800 US के। फर्स्ट अवार्ड मिला था भाला चंद्र भास्कर भगत और ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नम्बियर, और जो रिसेंटली में अवार्ड मिला है 2017 में तो वो है आर गांधी, हीरानंद कटारिया, GSSB प्रसाद और ब्रिज भूषण मोंटी और PA राफेल, संजोय चक्रवर्ती और रोशन लाल को मिला है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन यूनिट से आया था। तो दोस्तों, हम लोग कुछ यूनिट पढ़ते हैं जो कि कल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि लेंथ की क्या यूनिट होती है, तो मीटर होती है। टाइम का सेकंड होता है, मास का किलोग्राम होता है, एरिया का स्क्वायर मीटर होता है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, वर्क का होता है मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये कल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि एनर्जी क्या क्या होता है। तो एनर्जी जितनी भी कार्य या ऊर्जा से रिलेटेड जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनका मात्रक जूल होता है। फोर्स का होता है न्यूटन, प्रेशर का होता है पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर चार्ज, फ्रिक्वेंसी का होता है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, पावर का वाट होता है, और वेट मतलब जो भार का मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम होता है, इम्पल्स की होती है न्यूटन सेकेंड, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग का होता है रेडियन पर सेकेंड। अब पढ़ते हैं दोस्तों कि विस्कोसिटी का होता है पॉइस, सरफेस टेंशन का होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, हीट का होता है जूल, टेम्परेचर का केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का केल्विन, रेजिस्टेंस का होता है ओम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होता है वोल्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो उसका ओम प्रति मीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है किलो वाट आर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।